जिनकी लाइफस्टाइल पर रहती हैं निगाहें, तमाम सितारों के बीच आपके पसंदीदे सितारों को लेकर उनके प्रशंसकों की, यहाँ पर बात चाहे बॉलीवुड सेलिब्रिटी की हो, बात चाहे टीवी टाउन के सेलिब्रिटीज की हो, बात चाहे शो बिग बॉस सीजन 13 के कंटेस्टेंट्स की हो, या फिर नए शो मुझसे शादी करोगी के दूल्हे राजा यानी कि पारस छाबड़ा को लेकर हो। बिग बॉस का सफर खत्म करने के बाद पारस ने शो मुझसे शादी करोगी में तमाम हसनाओं को पूरी तरह से चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर किया है कि आसान नहीं है पारस को इम्प्रेस करना। लेकिन जिस पारस को इम्प्रेस कर दिया था अपनी मासूमियत से माहिरा शर्मा ने शो बिग बॉस सीजन 13 में, उस माहिरा के लिए अब तक प्यार भरे रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाए हैं पारस, जिसके कारण माहिरा को जरूर लगेगा ये जानकर झटका, क्योंकि रिसेंटली एक स्टेटमेंट हुआ है पारस छाबड़ा का वायरल, जिस स्टेटमेंट में पारस ने माहिरा को कर दिया है एम्बैरेस। वही माहिरा जो कि सर्जरी को लेकर, कॉस्मेटिक सर्जरी को लेकर, ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर काफी ट्रॉल हुई बीते कुछ दिनों पहले, और ठीक बाद में माहिरा और पारस को लेकर जो नई खबर आई है वो हम आपको देंगे। तो बिना इंतजार किए हुए आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। वेल, बात कर रहे हैं यहाँ हम आप सभी के बीच कलर चैनल के मोस्ट पॉपुलर शो बिग बॉस सीजन 13 की मोस्ट फेमस सेलिब्रिटी रही माहिरा शर्मा के बारे में, क्योंकि माहिरा शर्मा को आपने इससे पहले नहीं देखा होगा कभी इस तरह से, क्योंकि माहिरा शर्मा इससे पहले पारस छाबड़ा के साथ सिर्फ दोस्ती और प्यार भरे रिश्ते के लिए तारीफों में थी। लेकिन पारस ने रिसेंटली इंटरव्यू में जो कहा उसे सुनकर लोग हैं हैरान। दरअसल रिसेंटली जो खुलासा हुआ है वो ये है कि पारस छाबड़ा माहिरा को कभी भी अपनी शादी के लिए इनवाइट नहीं कर सकते हैं बतौर अपनी लाइफ पार्टनर। जी हाँ, हैरान तो आप होंगे, क्योंकि पारस ने माहिरा के साथ रिलेशनशिप और शादी से जुड़ी अफवाहों पर विराम लगा दिया, ये कहकर कि कोई भी रोमांटिक फीलिंग माहिरा शर्मा के लिए नहीं है और आकांक्षा पूरी के साथ उनका रिलेशनशिप हो चुकी है खत्म और आकांक्षा के साथ अब वो आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, माहिरा शर्मा उनके सिर्फ दोस्त रहेंगे, शादी का कोई ना तो ख्याल है और ना ही उनका रिश्ता कोई भी दोस्ती से आगे कुछ है। जी हाँ, कोई फ्यूचर नहीं है माहिरा के साथ उनके रिश्ते का। मुझसे शादी करोगी में माहिरा शर्मा नहीं हो सकती हैं और ना ही वो उनके साथ एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं शादी की। ये सुनकर हैरान तो आप होंगे ही, क्योंकि वाकई में माहिरा को देखने का इंतजार फैंस को था शो मुझसे शादी करोगी में। वही माहिरा जो कि शो बिग बॉस सीजन 13 से बाहर आने के बाद सर्जरी को लेकर काफी ज्यादा ट्रॉल हुई और लिप सर्जरी को लेकर आलोचनाओं से वो घिरी भी रही। लेकिन माहिरा शर्मा को सबसे ज्यादा अब ट्रॉल होते हुए देखा जाएगा, क्योंकि माहिरा पारस और आकांक्षा के रिश्ते के बीच आने वाली दरार मानी गई है। और ऐसे में सब तो हैरान होंगे ही ये जानकर कि माहिरा से दोस्त है पारस की। जी हाँ दोस्तों, ये था हमारा आज का बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम माहिरा शर्मा को लेकर, पारस छाबड़ा को लेकर, पारस के सामने माहिरा को लेकर आई नई अपडेट जो थी ये थी कि ये दोनों अगर स्पेशल बॉन्ड कपल लाइफस्टाइल को शेयर करते हुए जब नजर आए म्यूजिक एल्बम के लिए तैयार होकर, तो यहाँ पर पारस और माहिरा की जोड़ी की तारीफ हुई, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, आकांक्षा का नाम सामने आया, आकांक्षा पूरी ने टैटू हटाकर एक्स बॉयफ्रेंड पारस को जवाब दिया और माहिरा पड़ गई हैं अकेली कहा जा रहा है, क्योंकि शो मुझसे शादी करोगी के कारण पारस नहीं दे पा रहे हैं अपनी फ्रेंड माहिरा को टाइम। अब यहीं पर वक्त हो गया है दोस्तों आपसे विदा होने का, यानी कि शो का यहीं दी एंड करेंगे, फिर लौटेंगे ऐसे ही नई लेटेस्ट खबरों के साथ। देखते रहें आप नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।